सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। मुझे पता है एक बहुत ही बेहुदा सवाल है, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई अच्छा नहीं रह सकता। और हमारे यहाँ तो गर्मी ने 40 डिग्री पार कर दिया है। इतनी गर्मी पड़ी है कि उस दिन मैं साइकिल लेकर स्कूल जा रहा था और रास्ते में मेरा टायर ब्लास्ट हो गया। और फिर मैं जब दुकान में ठीक करवाने गया तो सामने मैंने देखा कि एक गैराज में मेरे स्कूल के प्रिंसिपल अपने बुलेट के टायर ठीक करवाने आए हैं। इतनी गर्मी पड़ी है कि कपड़े अगर धो के टांग दोगे तो तुरंत सूख जाएंगे और पहनोगे तो तुरंत भीग जाएंगे। अरे इतनी गर्मी पड़ी है कि मैं एक हफ्ते से हिला। ए, ज्यादा हो रहा है, इतना भी सच नहीं बोलना था। मेरा मतलब छोड़ो ये सब बात है, हम अपने टॉपिक की तरह चलते हैं। अब इतनी गर्मी में मैं अगर कंटेंट सोचने लगूं तो मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं गया यूट्यूब के कलाकारों के पास और मैंने तुम लोगों के साथ पिकाचू और चार्जार्ट के सारे 18 टाइप्स के फॉर्म शेयर कर दिए हैं। इसलिए मैं आज तुम लोगों को दिखाऊंगा कि अगर ग्रेनिंजा के पास सारे 18 टाइप के फॉर्म होते तो वो दिखने में कैसे कैसे लगते। और बिल्कुल ये सब डिजाइन एकदम फैंस के द्वारा बनाए गए हैं, जैसा कि मैंने कहा कलाकार। तो तुम लोग कमेंट में बता देना कि तुम लोगों को इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा टाइप फॉर्म कौन सा लगा। तो चलो बिना देर किए ऐसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आता है सबसे कॉमन टाइप, यानी कि नॉर्मल टाइप। अब नॉर्मल टाइप का ग्रेनिंजा ये रहा, और जब मैं चार्जार्ट का नॉर्मल टाइप फॉर्म देखा था तब ये भी ईवी की तरह ही लग रहा था, और ग्रेनिंजा का स्टाइल भी थोड़ा सा ईवी की तरह ही लग रहा है, और इसका जो डिजाइन है वो मुझे ठीक ठाक लगा। अब अगले नंबर पर आता है ग्रास टाइप। ग्रास टाइप का डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, और ये थोड़ा बहुत साइथर की तरह भी लग रहा है, इसलिए मुझे काफी पसंद आया। अब अगले नंबर पर आता है फायर टाइप। फायर टाइप का डिजाइन भी बहुत अच्छा बनाया गया है, और इन्फरनेप की तरह इसके शरीर में भी जो ब्लेज है उसकी वजह से ये और भी अच्छा लग रहा है। अब अगले नंबर पर आता है इलेक्ट्रिक टाइप, और ये रहा इलेक्ट्रिक टाइप का ग्रेनिंजा। अब इसका भी डिजाइन काफी अच्छा है, खासकर इसके पीछे ब्लू कलर के स्पार्क की वजह से। अब अगले नंबर पे आता है फ्लाइंग टाइप। फ्लाइंग टाइप का डिजाइन भी अच्छा है, पर इसके जो पंख दिए गए हैं ना, ये इस पर सूट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से अगर ग्रेंजा ऐसे ही हवा में लेविटेट करता तो और भी अच्छा लगता। ओवरऑल सब कुछ ठीक है इसका। और अब अगले नंबर पे आता है बक टाइप, और ये रहा बक टाइप का ग्रेंजा। वैसे तो यार सच बताओ तो मुझे बक टाइप का डिजाइन ठीक ठाक लगा है। अब वैसे तो देखा जाए ग्रास टाइप में ही ग्रेंजा थोड़ा सा बक टाइप भी लग रहा था। अब अगले नंबर पे आता है रॉक टाइप। अब इसका भी टाइप ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा हाइप भी नहीं है, मतलब एक नॉर्मल रॉक टाइप पोकेमोन की तरह ही लग रहा है। अब अगले नंबर पे आता है फाइटिंग टाइप। फाइटिंग टाइप का ग्रेंजा मुझे सच बताओ बहुत अच्छा लगा, और इसके हाथ में पंचिंग ग्लव्स भी है, जिसकी वजह से ये फाइटर भी लग रहा है। अब अगले नंबर पर आता है ग्राउंड टाइप। ग्राउंड टाइप का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा है। अब देखो तुम लोग ऐसा मत सोचो कि मैं हर टाइप का ही अच्छा बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जो मुझे अच्छे नहीं लगे मैंने बोल दिया। ये मुझे सच में पसंद है इसका डिजाइन, और ऐसा लग रहा है कि ये ग्रेनिंजा डेजर्ट में रहता है, और डेजर्ट में रह के ये शिकार करता है डेजर्ट में छुप के, इसलिए इसके सर में स्कल भी है। अब अगले नंबर पर आता है पॉइजन टाइप। पॉइजन टाइप का डिजाइन मुझे कुछ उतना भी खास नहीं लगा, मतलब ठीक ठाक है, मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसा लग रहा होगा। अब अगले नंबर पर आता है पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे खतरनाक टाइप में से एक घोष टाइप, और घोष टाइप ग्रेनिंजा का डिजाइन भी काफी हद तक अच्छा बनाया गया है। हाँ, पर सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ग्रेनिंजा पर घोष टाइप कुछ खास मैच नहीं करता, पर हाँ डिजाइन के मामले में तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करा गया है। अब अगले नंबर पे आता है आइस टाइप। आइस टाइप ग्रेनिंजा का डिजाइन भी नॉर्मल है, पर ये मुझे आइस टाइप होने के साथ साथ स्टील टाइप भी लग रहा है। वैसे इन्होंने स्टील टाइप का भी एक ग्रेनिंजा बना रखा है, और वो है ये। वैसे सच बताओ तो ये मुझे स्कारमोन की याद दिला रहा था। ओवरऑल इसका डिजाइन ठीक है। और अब अगले नंबर पे आता है डार्क टाइप। वैसे तो ग्रेनिंजा डार्क और वाटर टाइप का है, और इन्होंने एक प्योर डार्क टाइप का पोकेमोन भी बनाया है, और सच में इस पोकेमोन को देख के ना मुझे जारूट की याद आ गई थी। और अब अगले नंबर पे आता है साइकिक टाइप, और साइकिक टाइप का ग्रेनिंजा ये रहा। यार इसका अगर मुझे रेटिंग देना पड़े तो मैं 6 out of 10 दूंगा। दरअसल बात ये कि साइकिक टाइप बोलो या फिर बग टाइप बोलो, ये सब टाइप ग्रेनिंजा को सूट नहीं करता। हर एक ऐसा पोकेमोन होता है जिस पर कोई टाइप सूट नहीं करता है, यही बात है। अगर ग्रेनिंजा का पूरा ही लुक चेंज करे तो फिर शायद ये टाइप्स ग्रेनिंजा के ऊपर सूट करेंगे। और फाइनली अब आता है पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टाइप ड्रैगन टाइप, और ड्रैगन टाइप का ग्रेनिंजा ये रहा। अगर इसको मुझे रेटिंग देना हो तो मैं दूंगा 7.5 out of 10। और अब आता है पोकेमोन सीरीज का सबसे आखिर में इंट्रोड्यूस करा गया फेरी टाइप, और ये रहा फेरी टाइप का ग्रेनिंजा। फिर से वही, क्योंकि फेरी टाइप भी ग्रेनिंजा के ऊपर कुछ खास सूट नहीं करता। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे और भी कंटेंट के लिए, और कमेंट बताना कि तुम लोगों को इनमें से सबसे अच्छा डिजाइन कौन सा लगा। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।